सेंट पीटर्स कॉलेज के 1993 बैच के स्टूडेंट्स इन दिनों अपने पुराने कॉलेज में समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। इन छात्रों ने रियूनियन वीक के अंतर्गत सेंट पीटर्स कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा दान है ब्लड डोनेशन, और सबको करना चाहिए जिनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि सोसाइटी में ऐसा ये एक 93 बैच एक ऐसा काम कर रहा है जो कि सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छे उनके वेलफेयर का ही काम करेगा। और ये सबसे बड़ा दान मुझे लगता है, क्योंकि इसके थ्रू बहुत सारे लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। जो एकदम पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको इमीडिएटली रक्त की ज़रूरत होती है, ब्लड की ज़रूरत होती है, आप उन्हें ब्लड दे के उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो इससे बड़ी अच्छी चीज़ मुझे नहीं लगता कि कुछ है, और अगर हम ये कर पा रहे हैं। इस रक्तदान शिविर में 1993 बैच के छात्रों ने और उनके परिवारजनों ने रक्तदान किया। इस मौके पर एक सिग्नेचर श्रृंखला का भी आयोजन किया गया। रक्तदान करने वाले लोगों ने दीवार पर सिग्नेचर किए और लोगों से रक्तदान करने की अपील की। जैसे अधिकतर लोगों के मन में ये धारणाएं होती हैं कि ब्लड हम देंगे तो कहीं हमारे अंदर कमजोरी भी ना आए, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़ी जल्दी हमारी बॉडी रिकवर करती है और एकदम ताज़ा नया ब्लड दोबारा से प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। और इससे जहाँ तक हम देखते हैं कि कितनी आपको मदद मिलती है, जितने भी लोग हैं उन तक हमारा ये ब्लड पहुँचता है, इससे ज़्यादा प्यार और एक ह्यूमैनिटी के लिए बहुत अच्छा कार्य है। आज हम लोगों के लिए सब खुशी की बात है, क्योंकि हमारे बच्चे जो 1993 का बैच है वो उनका रजत जुबली मना रखा है, जुबली 25 ईयर्स, और वे इस रजत जुबली मनाते समय बहुत से सोशल सेवा भी कर रखा है। उसमें एक है कि ब्लड डोनेशन। तो आज हमारे स्कूल कैंपस में ब्लड डोनेशन का कैंप लगा है, उनको ऑर्गेनाइज किया गया है उस बैच के बच्चों के द्वारा। वो बच्चे भी खून दे रखा है, बाकी लोगों को अपने रिश्तेदारों को दोस्तों भी आ रखा है खून देने के लिए। कैंप के आयोजन के लिए सेंट पीटर्स कॉलेज के प्रिंसिपल पॉल थिनकल ने पूर्व छात्रों को शुभकामनाएं दी। फादर पॉल थिनकल ने लोगों से ब्लड डोनेट करने की अपील की। फादर ने ब्लड डोनेशन को परमार्थ और मानवता का काम बताया। योगेश त्यागी, सी न्यूज, आगरा।